आधार अनुसार प्रदेश प्रमुख अभी संविधान को धारा 63 मा नेपाल सरकार को सिफारिश में राष्ट्रपति प्रदेश प्रमुख नियुक्त करने अब एमाले भनिरहेको छ सरकार ने प्रदेश प्रमुख नियुक्त करे हमारा सांसद शपथ ग्रहण करते करते हम मंद मंद भैर अर्कतर्फ सभा को प्रमुख को नियुक्ति नगरिकन निर्वाचन आयोग ने आपको निर्वाचन को परिणाम बुझाने ठाव छैन अनि त्यो प्रदेश प्रमुख न नियुक्ति गरिकन प्रदेश का अहिले को निर्वाचित सांसद शपथ ग्रहण भी कर पाउँदैन शपथ ग्रहण नगरी सके मतदाता भी हुँदैन भन्दा यसरी राष्ट्रीय सभा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा एक अर्का में जोडिएको हुनाले अहिले को सरकार ने चाहँदा चाहँदै पनि तुरंत सरकार हस्तांतरण करने करने अवस्था में कानून ने तो अवस्था सिर्जना कारण जबसम राष्ट्रीय सभा को निर्वाचन को लगी भर बल्ल अध्यादेश आगे निर्वाचन को मिति तोकिने प्रदेश प्रमुख भी नियुक्ति कर सके पश्चात अभी निर्वाचन राष्ट्रीय सभा को निर्वाचन भे पश्चात तेस पच्चीस निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक दल पर राष्ट्रीय सभा में ये महिला आए इस कारण अब प्रतिनिधि सभा पर ये महिला दिन पर्व चीफ सेक्रेटर तेको तथ्यांक आई सके मत अंतिम परिणाम आँच रत्पश्चात सरकार गठन को प्रक्रिया शुरू हो।